हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस थाना अंतर्गत पसल बांदा में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट होते ही मौके वारदात पे ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच करने की बात कर रही है। आइए सुनते हैं इस मामले में रियासत नगर के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने क्या कुछ कहा है। टू पास फंक्शन हॉल रियासत नगर रिजर्वर के सामने एक टू व्हीलर गाड़ी पे एक नौजवान जो सो जा रहा था, पीछे से जो सो लारी बेकाबू लारी जो सो आके बेदर्दी से कुचल दी, जिसके नतीजे में मुकामे वाकया पर ही बच्चे का सर मुकम्मिल कुचल गया, भेदान निकल गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। अभी दवाखाने पहुँचाई गई। वो मरहूम के जेब में से फ़ोन निकला जिसमें भट्टेपल्ली का रहने वाला ये नौजवान है, उनके विरसा अभी आ रहे हैं और दवाखाने उस्मानिया को डेड बॉडी मिला दी गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया है। लारी ड्राइवर जिसकी मुकम्मल लापरवाही के नतीजे में इतना भयानक हादसा हुआ, जबकि रोड पूरी क्लियर थी, साथ में पीछे आने वाले गाड़ी अब मंजर देख चुके हैं कि मुकम्मल तौर पर ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ। ड्राइवर की हालत नशे में है, ड्राइवर उसको पुलिस के हवाले किया गया है और अभी उसको भिजा के जो है नशे की हालत में जो ड्रग शराब किया है उसके खिलाफ जो है सबसे सख्त एक्शन लेने के लिए। हैदराबाद से मोहम्मद जियाउद्दीन की रिपोर्ट।